Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all are fine and well. Today I'm here with a new recipe, आलू पराठे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आलू पराठे कैसे बनते हैं? सबसे पहले मैंने लिए हैं बॉयल्ड आलू. आप जितना मर्जी ले सकते हैं, दो तीन, जितना आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं. उसको अच्छी तरह मैश कर लें. मैश करने के बाद उसको हल्का सा फ्राई कर लें ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए. तो मैंने लिया है 1 टेबल स्पून. मैंने तेल लिया, 1 अदद छोटे साइज के प्याज है, और इसको थोड़ा सा भूने. फिर उसके बाद जो है ना, जो मैश पोटैटो वो इसमें डालें. 1 हरा मिर्च मैंने यूज़ किया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं. धनिया, गरम मसाला, थोड़ा सा ज़ीरा. तो इसको इसके साथ जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और 5-6 मिनट के लिए पकाएं. पकाने के बाद इसको साइड पे कर दें. जब ये ठंडा हो जाए तो इसके बाद आपने यूज़ करना है गरम मसाला, आपने यूज़ नहीं करना. तो जब तक मसाला ठंडा हो रहा है, हम जो है ना पेड़े बना लेंगे. पहले हम पेड़े बनाएंगे, उसको कुछ देर के लिए रखेंगे. उसके बाद जो है ना फिर उसमें आलू की फिलिंग करेंगे. तो मेरे साथ रहिए, इस मेथड को देख के. बहुत ही आसान तरीका है आलू पराठे बनाने का, और आपको पसंद भी आएगी. और जो मज़े की बात ये है ना कि ससुराल में तेरे डिग्री काम नहीं आएगी, तारा पोछा, तारा बर्तन, थाली रोटी, ये सब काम आएगा. तो अच्छा है कि इंसान को डिग्री के साथ साथ कुकिंग वगैरह, बाकी घर की जो चीज़ें हैं वो भी अगर बंदे को आए, तो डिग्री के साथ साथ जो है ना फिर मज़े डबल हो जाएंगे ससुराल वालों के. अब जो है ना, वो मैंने कुछ टाइम के लिए पेड़े रखे थे, अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ इसमें आलू की फिलिंग. तो रोल आउट कर ले पेड़े को, थोड़ा सा ऑयल लगा ले. इसके बाद जो है ना, अब आलू की फिलिंग कुछ इस तरह से करनी है जैसे मैं कर रही हूँ. इसको अच्छे तरीके से फोल्ड कर ले, लाइक दैट यू कैन सी व्हाट आई एम डूइंग. तो मैंने पहला पेड़ा बना लिया है, इसको साइड पे कर दिया. अब जो है ना बाकी भी ऐसे ही बनाए आप. तो अब दोबारा मैं रोटी को बेलने लगी हूँ. जो है ना मैं इसमें आलू की फिलिंग करूँगी. फिलिंग करने के बाद वैसे ही तरीके से मैं फोल्ड करूँगी जैसे पहले वाले मैंने किया है. तो ज़रूर ट्राई करें और मुझे फिर बताएं मेरी जो रेसिपी है आपको अच्छी लगी है कि नहीं. एक और इम्पोर्टेंट बात कि आपने जो है ना, बाज़ार में दो तरह के आलू मिलते हैं, एक अच्छी क्वालिटी वाले, एक इतने अच्छी क्वालिटी वाले नहीं है. क्वालिटी मीन्स जो मीठे वाले हैं, तो मतलब आपको वैसे जायका नहीं मिलेगा जैसे आप चाहते हैं. तो कोशिश करें कि वो दूसरे वाले लें, मीठे वाले आलू ना लें. तो अब मैं जो है ना स्टार्ट करने लगी हूँ. ये आप देख सकते हैं, आपने जो है ना आहिस्ता आहिस्ता इस पेड़े को रोलर की बजाय हाथों से फैलाना है, क्योंकि हाथों से जब आप फैलाएँगे तो जो आलू की फिलिंग है ना वो उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा. तो जैसे मैंने किया, चेक कर सकते हैं आप. अच्छा, तवे को ग्रीस कर ले और रोटी को तवे पर डाल दे, लाइक दैट. और रोटी को अच्छे से पकाना है साइड्स वगैरह से भी. समटाइम्स हम क्या करते हैं, जो रोटी का सेंटर होता है ना तो वो जल्दी पक जाता है, और जो साइड्स होते हैं ना तो वो कच्चे होते हैं. तो आपने ज़रूर इस बात का ध्यान रखना है जो तवे के साथ जो रोटी के साइड्स हैं वो भी बिल्कुल पके हुए हों, ताकि जो आलू के पराठे का जो जायका है, जो मेंटेनेंस है, जो पकने का स्टाइल है वो कम्प्लीट हो. या ना हो कि मतलब कहीं से कच्चा हो, कहीं से पका हुआ हो. जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको लाजमी शेयर करें. एंड वन थिंग आई वांट टू से फॉर पश्तून पीपल्स, दैट पराठे डे रख को ले दे, ज़रूर ट्राई वो के फिर मज़ेदार दे. एंड आपको पसंद आएगा हमारे हाथ के जो पराठे हैं. मुश्तदान तजुर को, एंड आई होप यू विल आल्सो लाइक इट. सो एंजॉय दिंग डिलिशियस यम्मी रेसिपी विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली.
with your children also, and make it also for your children as a lunch. And I want to grow. Your support is very important, and I hope you will give me a big support. So till today time, I'll be here again with a new recipe, and enjoy this recipe and make it must. I hope you will feel good when you eat it, and give me a big hand, like and subscribe my channel, and share with your family.